आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के थाना सुकहावा क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित स्कूली छात्रों ने पुलवामा हमले में तीसरी बर्ची पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवानों के बलिदानों को छात्रों ने याद किया, जहां छात्रों ने अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों के शौर्य व पराक्रम के बारे में बताया। सोमवार को सुकहावा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित स्कूली छात्रों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों की याद में छात्रों व शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद कैंडल मार्च निकाला, जो स्टेशन रोड स्थित मेहराबाद से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक निकाला गया, जहां शिक्षकों ने शहीदों के बलिदान के बारे में बताते हुए कहा कि जब जवान सरहद की रक्षा करता है तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जवानों के शौर्य एवं पराक्रम की वजह से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। वहीं छात्रों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में नारे लगाए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र व शिक्षकगण मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। हम अमन है, मैं कैंडल मार्च इस वजह से कर रहा हूँ, जो हमारे 2 साल पहले यानी इसी दिन 2 साल पहले जो पुलवामा में CRPF के जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कैंडल मार्च निकाली जा रही है। और कहाँ तक निकाली जा रही है? ये हमारा एक शिक्षण संस्थान है, वैष्णवी कोचिंग सेंटर और GSR कोचिंग सेंटर, उन दोनों के माध्यम से ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रवेश भाग लिया। रैली कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी? जहाँ हमारा शिक्षण संस्थान है मेहराबाद, वहाँ से ये रैली शुरू हुई है और स्टेशन रोड से होते हुए गांधी ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास इसका समापन करेंगे। अरे ओ सांभा, घोड़ा पालना बहुत महंगा हो गया, सोच रहा हूँ बजाज प्लेटिना ले लूं। जी सरदार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, अब तो ले लो प्लेटिना सरकार। जी हाँ, हमारा पता नोट करें, A1 बजाज महनपुरी चौराहे के पास कृष्णा नगर सुकहावाद। मोबाइल नंबर नोट करें 9808 88499 25।